नमस्कार, मैं पल्लवी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी ने वाराणसी को दिया 614 करोड़ रुपए का दिवाली गिफ्ट। कहा, कोरोना काल में नहीं रुकी काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपावली का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम ने कहा कि काशी में जो भी हो रहा है वो बाबा विश्वनाथ की कृपा से हो रहा है। पीएम मोदी बोले कि अब काशी स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बन रहा है, घाटों की रौनक बढ़ गई है और गलियों की सूरत बदल गई है। इसके बाद पीएम मोदी ने एनडीए सरकार की कुछ योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भी काशी नहीं रुकी, लगातार काम जारी है। पीएम ने कहा कि वाराणसी में शहर देहात के विकास योजनाओं में संस्कृति आधुनिकता का ध्यान रखा जा रहा है। जनता के लिए अयोध्या में डिजिटल दीपोत्सव मनाएगी योगी सरकार। घर बैठे कर सकेंगे रामलला के दर्शन। 500 वर्षों में पहली बार अयोध्या में राम जन्मभूमि पर होने जा रही दिवाली को यादगार बनाने के लिए योगी सरकार तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। राम नगरी को जगमगाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। खास बात यह है कि अयोध्या में होने जा रही भव्य दिवाली का आप भी डिजिटल हिस्सा बनकर दीप जला सकेंगे। योगी सरकार ने करोड़ों राम भक्तों को राम दरबार में आस्था दीप जलाने के लिए खास व्यवस्था की है। सीएम योगी के विशेष निर्देश पर सरकार एक पोर्टल तैयार कर रही है जहां वर्चुअल दीप जलाए जा सकेंगे। यह अनूठा वर्चुअल दीपोत्सव प्लेटफॉर्म बिल्कुल रियल जैसा अनुभव देगा। पोर्टल पर श्री रामलला विराजमान की तस्वीर होगी जिसके सामने वर्चुअल दीप जलाए जाएंगे। भारत चीन के बीच जल्द खत्म हो सकता है गतिरोध। टकराव वाले कुछ स्थानों से पीछे हट सकते हैं दोनों देश के जवान। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 महीने से ज्यादा समय से जारी गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर के 8वें दौर की बातचीत के दौरान गतिरोध खत्म होने के संकेत मिले। रक्षा सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के सैनिक अगले कुछ दिनों में टकराव वाले कुछ स्थानों से पीछे हट सकते हैं। इसका तौर तरीका तय करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। हालांकि भारत इस मामले में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कोर कमांडर स्तर के 8वें दौर की बातचीत के बारे में जानकारी दी है। सिर्फ दिल्ली नहीं, नोएडा गुड़गांव समेत पूरे NCR में आज रात से पटाखे बैन, NGT का आदेश। वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए NCR में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश में कहा है कि जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेटर है वहाँ सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। NGT के इस आदेश के साथ ही गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है। देश के जिन राज्यों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी खराब की श्रेणी में बनी हुई है उन राज्यों और शहरों में भी 9 नवंबर के मध्य रात्रि से लेकर 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़ा NGT का आदेश लागू होगा। पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे ही दिए जाने का आदेश है। सर्दी बढ़ने से ठंडा हुआ नवंबर, दिन में गलन बढ़ने से लुढ़का पारा। 2 दिन बाद दिन के तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। पालम तो महज 26.5 डिग्री सिमट गया, ये सामान्य से 3 डिग्री कम है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिवाली तक तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी का अधिकतम तापमान महज 29.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान अब भी 11.2 डिग्री बना हुआ है, ये सामान्य से 3 डिग्री कम है। पालम में अधिकतम तापमान भी गिर कर 26.5 डिग्री रहा। स्काईमेट के अनुसार हवाओं की स्पीड अभी 3 दिनों तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर नहीं रहेगी। इसकी वजह से स्मॉग दिखता रहेगा, विजिबिलिटी कम रहेगी। 7 हफ्तों की गिरावट के बाद कोरोना के मामलों में तेजी आई, मौत का आंकड़ा भी बढ़ा। देश में कोरोना के केसों में फिर एक बार तेजी देखी जा रही है। बीते हफ्ते 3,24,542 केस आए, ये उससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले 5,176 ज्यादा रहे। इससे पहले 7 हफ्तों से नए केस में गिरावट दर्ज की जा रही थी। मौत का आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते 411 मौतें हुई। इसमें इससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले 422 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 46,660 केस आए, 48,669 मरीज ठीक हुए हैं और 490 मरीजों की मौत हो गई। देश में अब तक 85.53 लाख केस आ चुके हैं, इनमें से 79.15 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, 1.26 लाख मरीजों की मौत हुई है
और 5.09 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।